आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो स्क्रॉल करते हुए देखी होगी कि सुतेले बहन भाइयों ने शादी कर ली है। इनसे जानते हैं कि ये सुतेले बहन भाइयों वाली क्या स्टोरी है। पहले नंबर पे भाई बात ये है, बहन भाई को सुतेला शादी कर ही नहीं सकता। जब लोगों ने बातें करनी शुरू की ना अपने रिश्तेदारों ने, बहनों भाइयों ने, कि आप दोनों का कुछ चक्कर है, आप एक दूसरे की बात मानते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसके ससुराल वालों को पता चल गया कि ये पैसे देता है, इसका कोई चक्कर है, कोई चक्कर होगा, इस वजह से ये होता है, ऐसे नहीं करते हैं आप, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, अगर इस तरह अगर तुम्हारा ये ख्याल करते हो पैसे देते हो तुम शादी कर लो, पैसे ऐसे क्यों खा रही हो तुम, इसको खा के छोड़ दोगे, अभी पता नहीं शादी का तुमने इसको लारे लगाए हुए, पता नहीं इसको किस तरह से किया हुआ, किस तरह के नहीं, बस इस तरह 100 सवाल करते थे, जितने मुँह उतनी बातें करते थे। जिस साल में जैसे हम थे उधर लेके आए, उधर से निकाह करके इधर छोड़ गए, तब से अब चले गए और ना ही अबू मिलते, ना ही भाई, कोई भी नहीं मुझे मिलता, सब ने छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल रंग से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो स्क्रॉल करते हुए देखी होगी कि सुतेले बहन भाइयों ने शादी कर ली है। इसी खबर को जानने के लिए आज हम उस जोड़े के पास मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गुलाम फरीद साहब और किरण। इनसे जानते हैं कि ये सुतेले बहन भाइयों वाली क्या सीन है, क्या स्टोरी है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुलाम फरीद साहब, ये एक वायरल हो रही है स्टोरी के सुतेले बहन भाइयों ने शादी कर ली, क्या चक्कर है ये? पहले नंबर पे भाई बात ये है, बहन भाई को सुतेला शादी कर ही नहीं सकता। देखें, इनकी वालदा फौत हुई थी और मेरी वालदा को डिवोर्स हुई थी, मेरी वालदा की इनके वालद के साथ शादी होगी, उस हिसाब से हम इनको ना अपने बहनों भाइयों की तरह समझते थे। ये चार बहन भाई थे और मैं अपने हम तीन भाई थे, ठीक है, अम्मी की तरफ से, तो हम ना इनको अपने बहनों भाइयों की तरह समझते थे, ये हमें बहनों भाइयों की तरह समझते थे, हम इनको समझते थे, इस वजह से बस बहन भाई समझते थे बस, तो और कोई हमारा रिश्ता नहीं था, क्योंकि हमने तो अपनी अम्मी की शादी जब हो गई थी ना उससे भी 6 माह बाद ही मैं मिला हूँ इनको जाके, क्योंकि मैं अम्मी से नाराज़ हो गया था कि आपने शादी क्यों कर ली है, रहने देनी थी, हम बड़े बड़े थे, चलो हम संभाल लेते हैं आपको। यानी कि आपकी वालदा ने किरण के वाले साहब के साथ शादी कर ली थी? जी जी, हमारी नानी नाने ने कराई थी। आपकी शादी किरण के साथ किस तरह हुई? हमारी शादी ऐसे हुई, जब इसकी शादी हुई ना आगे, तो इसके अल्लाह ने बेटी दी एक, ठीक है, ये 1 महीना उधर रहती थी अपने ससुराल और 3-4 महीने अम्मी अबू के पास रहती थी, लड़ाई झगड़ा करके आ जाती थी, ठीक है ना, खर्चा वगैरह नहीं देते थे जो भी है, ठीक नहीं, इनके अब घर में एक ज़रा सा भी बस किसी न किसी वजह से लड़ाई होती रहती थी, तो मैं इसको कोई थोड़ा बहुत मैंने खर्चा दे देना कि चलो बहनों की तरह, मैंने चले बच्ची छोटी सी है कुछ ना कुछ खा पी लेगी बस, ठीक है। तो यानी कि आप इनकी हेल्प कर दिया करते थे किरण की? हाँ, मैं हेल्प कर दिया करता था। तब कोई शादी की चाहत वगैरह थी किरण के साथ? नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं था। जब लोगों ने बातें करनी शुरू की ना अपने रिश्तेदारों ने, बहनों भाइयों ने, कि आप दोनों का कुछ चक्कर है, आप एक दूसरे की बात मानते हो, ये करते हो, वो करते हो, इसके ससुराल वालों को पता चल गया कि ये पैसे देता है, इसका कुछ चक्कर है, इसको डिवोर्स होगी, डिवोर्स होने के बाद फिर जब इसके रिश्ते आने शुरू हुए ना, उस वक्त हमारी ना वो जो बहनों भाइयों का रिश्ता था ना वो ख़त्म हो के एक चाहत में बदल गया, क्योंकि मुझे लहदा लोग कहते थे इन्ना तो उन्होंने प्यार है तो उन्होंने शादी कर ला। यानी कि लोगों ने बातें कर करके आप दोनों का जहन बना दिया था? बना दिया, ठीक है। जब हमारा जहन बन गया तो हमने शादी कर ली है, अब अल्लाह का शुक्र है हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है फैमिली के, यानी कि अपने घर की, खर्चा पानी वो तो आपको पता ही है, बड़े बड़े भी रो रहे हैं, हम रो लेंगे तो क्या होगा। किरण, मुझे बताइएगा कि आपने गुलाम फरीद से शादी की तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने घर वालों की तरफ से, अपने वाली साहब की तरफ से या अपने भाइयों की तरफ से? भाई, मैंने सबसे सामना किया, मुश्किलों का सामना किया है, सब ने मुझे रोका, मुझे मेरी यहाँ तक मैं मुँह मेरे मामी नाना सब ने मुझे रोका कि तुम ऐसा काम ना करो। फिर मैंने अपनी नानी को बताया था, अब मेरी नानी फोत हो चुकी हैं, मैंने सबका मतलब
सामना किया है और मुश्किल से ही किया है, और मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। मैंने इनको ज़बान दी थी कि मैं आपसे शादी करूँगी और करके दिखाऊँगी और निभा के दिखाऊँगी कि ये देखो मैंने शादी कर ली, अब मैं निभा रही हूँ। अभी माशाल्लाह 4 साल हो गए, अब तक कोई बात नहीं हुई, ना ही हम आपस में लड़ाई झगड़ा किया हमने, ना ही हमने कभी, जैसे भी हमारे गुजर बसर हो रही है लेकिन हमारा आपस में कोई ऐसा मसला नहीं है। मतलब हम लड़ाई करें झगड़ा करें, हम खुश रह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो कभी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने महसूस। किरण मुझे बताएं कि आपके घर वाले बहन भाई या आपके वालिद साहब आपको सपोर्ट करते हैं? जी नहीं भाई, मुझे कोई भी नहीं मिलते। अबू ने निकाह हमारा खुद ही किया है इधर आके, तो उन्होंने तब से उन्होंने छोड़ दिया। जिस साल में जैसे हम थे उधर लेके आए, उधर से निकाह करके इधर छोड़ गए, तब से अबू चले गए और ना ही अबू मिलते ना ही भाई, कोई भी नहीं मुझे मिलता, सब ने छोड़ दिया। आप मुझे बताएं कि किरण, जब ग़ुलाम फरीद से शादी नहीं हुई थी तो आप इसको किस तरह ट्रीट करती थी? भाई मैं अच्छा ट्रीट करती थी, मैं इसको भाई समझती थी पहले, तो मैं ऐसा कोई हमारा आपस में रिलेशन नहीं था, मैं इनको ख्याल करती थी। वैसे मुंह धो दिया, खाना बना दिया, खाना खिला दिया, पांव धो दिए, मैं इनका इतना ख्याल करती थी बहुत ज़्यादा। तो बस लोगों ने कहा जी, हमारे अपनों ने कहा कि क्यों ख्याल करती, कोई चक्कर है, पता नहीं पैसे लेती है इस वजह से करती है, जा ये देते हैं कोई चक्कर होगा इस वजह से ये होता है, ऐसे नहीं करते आप एक दूसरे का ख्याल करते हैं, अगर इस तरह अगर तुम्हारा ये ख्याल करते हो पैसे दे तो तुम शादी कर लो, पैसे ऐसे क्यों खा रही हो, तुम इसको खा के छोड़ दोगी, अभी पता नहीं शादी का तुमने इसको लारे लगाए हुए, पता नहीं इसको किस तरह से किया हुआ, किस तरह के नहीं, बस इस तरह 100 सवाल करते थे, जितने मुँह उतनी बातें करते थे। मुझे बताइएगा ग़ुलाम फरीद साहब, आप मजदूरी की हालत में और आपका एक्सीडेंट भी हुआ हुआ है, आपका घर का किचन कैसे चलता है? बस सर अब मुश्किल से चल रहा है, काफ़ी 15-20 दिन हो गए मैं घर बैठा हूँ। काम क्या करते हैं? काम मैं एन के रुमाल का स्टॉल लगाता था बुलंच के गेट पे। ठीक है, कितना कमा लेते हैं? बस उधर से मैं 1000-1200-1500 कमा लेता हूँ। ठीक है, तो उससे मैं मकान का किराया भी देना होता है, मैंने 9000 रुपया मेरे मकान का किराया है, 4-5000 बिल आ जाता है। ठीक है, काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहा हूँ मैं, ऊपर से कर्जा चढ़ गया है, माल जो सेल कर लेता हूँ वो जो होती है ना लागत जी, वो भी मैं खुद खा जाता हूँ, वो जो जिसे माल लेके आता हूँ उसको फिर मिंत्रला करके माल और ले लेता हूँ, 4-5000 दे दिया और 20000 का कभी उठा लिया, कभी 25000 का उठा लिया, बस ऐसे ही चल रहा है निज़ाम। जी नाज़रीन, आपने खूबसूरत जोड़े की तमाम गुफ्तगू सुनी, इनके बारे में सोशल मीडिया पे एक प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि सुतेले बहन भाई हैं, जिसकी हकीकत से इन्होंने पर्दा उठाया कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तमाम कहानी बताई कि ये किस तरह शादी की इन्होंने, और ये सफ़ेद पोश लोग हैं, इनको सामने लाने का मकसद होता है कि आप इनकी हेल्प करें, ये आपकी अमदाद के हकदार हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, आपका मेरा खुदा हामी नासिर।